चिकित्सा यानी कि आयुर्वेद, होम्योपैथ और एलोपैथ, हम इन तीनों ही पद्धति का इस्तेमाल करते हैं अपने सुविधा या फिर यूं कहें कि बीमारी के हिसाब से। देश में बीमारी पहले भी थी, पर जब से कोरोना जैसी महामारी आई तब से पता चला कि आपको अपनी लाइफ रूटीन को सही करने की कितनी जरूरत है। कोरोना महामारी ने पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था का इतिहास बता दिया, पर इस दौर में भी कुछ मेडिकल स्टोर और हॉस्पिटल्स ने लोगों की मजबूरियों का खूब फायदा उठाया। महंगी दवाइयां, महंगे इलाज, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन सारी परेशानियों से आपको मुक्ति दिलाने के लिए जय श्री श्याम फार्मेसी ने एक प्रण लिया, कम दाम, उचित इलाज और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सारी सुविधाओं को आप तक पहुंचाएंगे। नोएडा सेक्टर 50 में जय श्री श्याम फार्मेसी ने आपके जेब और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेडिकल फील्ड में एंट्री की है, जिसके उद्घाटन पर देश के जाने माने कवि और कवित्री जैसे अनामिका जैन अंबर ने अपनी पंक्तियों से पूरा सभागार गुंजयमान कर दिया, तो वहीं वाशु पांडे ने अपनी गजलों से सबकी आंखों को नम कर दिया। वहीं पर जय श्री श्याम फार्मेसी के उद्घाटन पर गन्ना संस्थान के अध्यक्ष नवाब सिंह नागर, विधान परिषद सदस्य श्री चांद शर्मा और जिला पंचायत अध्यक्ष अमित चौधरी भी मौजूद रहे। श्री श्याम फार्मेसी के डायरेक्टर शिव नारायण चौबे और देव ने चिकित्सा जगत में महत्वपूर्ण योगदान देने की बात कही है और इस फार्मेसी को हर राज्य में खोलने और लोगों तक बहुत कम खर्च पर चिकित्सा की आवश्यक सुविधा उपलब्ध करवाने की भी बात कही है, ताकि सभी तक दवाइयां पहुंच सके और लोग अपनी जिंदगी को बेहतर ढंग से जी सके। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली।